ये उतना बड़ा स्टीमर था, देख के ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, बहुत से लोग देख भी रहे होंगे। और भाई साहब, क्या बकचोदी किया तुमने? नहीं, क्या बकचोदी किया? तो और मेरे भाइयों, क्या हाल यार? जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा, बहुत ही बकचोदी मुझे भाई साहब क्या क्या हो गया था। नींद आने को लग गया था पहली बार लाइफ के। भाई साहब, एक साल से बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन पहली बार कल भाई नींद आने को लग गया था। ठीक है, तो आज हम जाके देखेंगे पबजी फनी वीडियो क्लिप्स। तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप भी साथ देना मेरा लास्ट तक। तो मिलता हूँ छोटे से स्किप के बाद। तो चलो गाइज, आज भी दो दो स्ट्रीमर्स हैं। लेट्स सी क्या देखने को मिलेगा आज। रिवाइव तो हो गया ये। क्या जल्दी लेट गया ना भाई साहब। और वो दूसरा कहाँ गया, मम्मी वाला? ये देखो एकर भाई साहब, हर एक वीडियो पे आप जाके मेरा लगातार भाई साहब 15-20 वीडियो चेक कर लो, हर एक में एकर आ रहे हैं। और ये भाई सिर्फ बूट कैंप पर ही आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कत्ता ही बकचोदी भाई साहब। भड़वे जितने भी कहूँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कहूँगा क्या फर्क पड़ेगा, बहुत से लोग कह चुके हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर कह चुके हैं, तभी फर्क नहीं पड़ा। तो ये लोग वो होते हैं जो अपनी बाप की नहीं सुनते, हमारी क्या सुनेंगे, ऐसा कुछ एकदम मादरचोद होते हैं कसम से। ये भी स्ट्रीमर है और इसका देख सकते हो पीसी सेटअप। आए हाय, कब हमारा होगा? तो भाई कर देना वीडियो को लाइक, हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो ठीक है, तो बंदे के पास एमओ नहीं है उजी में, और वो भी वेस्ट कर दिया। अभी 6 एमओ बचा हुआ है। क्या ये शॉटगन से मार पाएगा? लेट्स सी। यूट्यूबर है भाई, कुछ ना कुछ तो करेगा। देख सकते हो हंस रहा है। ये बैकग्राउंड भी सॉन्ग। आए हाय ग्रेनेड। ये उतना बड़ा स्टीमर था, देख के ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, बहुत से लोग देख भी रहे होंगे। और भाई साहब, क्या बकचोदी किया तुमने? नहीं, क्या बकचोदी किया? सीखो भाई कुछ, टिकटॉकर से सीख लो, क्योंकि वो शॉर्ट गन क्रॉस वो AWM क्लोज रेंज पे बहुत अच्छी तरीके से चला लेते हैं। और बंदा उतना बड़ा यूट्यूब, बड़ा तो नहीं पता, उतना अच्छा सेटअप है। और खेलना किसी को आता है तभी वो उसने सेटअप किया होगा। ठीक है, तो ये क्या था भाई, एक बार कोशिश तो कर लेते। डर गया, बहुत लग रहा था पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उससे तो भाई मार ही देगा। ये ऐसा आ रहा था भाई साहब, लेकिन कट गया। बेस्ट फ्रेंड, अब आएगी गर्लफ्रेंड, देखना। ओ माय ब्रो, बेस्ट फ्रेंड और ब्रो में क्या होता है? ब्रो मतलब कि ब्रदर, फ्रेंड मतलब कि साथ देने वाला, साथी। तो भाई तो एक को चूज करना है, क्या करेगा, मरेगा ये? तो बंदा मर गया, यानी कि इसने प्रूफ। ओ अगर तीनों को ही मरना था तो मरे क्यों? आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन चलो सभी ने अच्छी तरीके से साथ दिया, दोस्त ने दोस्ती होने की निभाई, क्या बोलते हैं वो, और भाई ने भाई होने का रिश्ता निभाया। ये देखो नाइस ले कुत्रे, क्या मिलेगा बंदे? मजा आया उन लोगों को जिन लोगों ने ये लिया है, उन लोगों को नहीं जो ये लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि हमें कभी नहीं मिलता, जितने भी कोशिश कर लो। अगर पांडा होता तो वो भी मेरे बात पे सहमत होता है। ठीक है, वो भी कहता हाँ तू सही कह रहा है। तो देखो ये रूम आया है, लेकिन मस्त है भाई, इतने दूर से मारा, वो भी देख सकते हो। आए हाय लैम्बोर्गिनी भाई साहब, तीन क्या मस्त सहबास कैरी क्यों आ गया बीच में? ये मारा भाई साहब चाइनीज प्लेयर भाई साहब, क्या मारा भाई भाई भाई, ऐसे कैसे चलाते हो? देखो इसका एम, देखो बस एम देखो आप लोग, कुछ नहीं, स्किल कितना बढ़िया है। देखो भाई साहब सीधा हेड में, वाह, ऐसे कब होंगे हम? तो ये कर रहा है भाई भाई 21 किल, मेरा भी आईएस इतना ही है आई थिंक, 21 होने वाला था, नहीं हुआ है ऐसा कुछ।
चलो नाइस। वो बंदा जो दूसरी बार आया यानी कि पीछे पीछे आया था वो थोड़ा सा नूब था। तो ये जो खेल रहा था ये प्रो था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हगिंग हगिंग, आय हाय हम ऐसी फीलिंग कब ले पाएंगे। ठीक है, भोसड़ी के कोई हग नहीं करता भाई साहब। मजाक कर रहा हूँ। तो ये M16 से भाई उसको वहां पर दिख भी कैसे गया। ये देखो ये मिनी 14 कतई चाइनीज प्लेयर आ रहे हैं यानी कि चाइनीज स्किल आ रहा है। ठीक है, ये MK से वन शॉट। ओ नाइस, क्या मुड़ा ना। ओहो नाइस, वाओ 1v3 इजी। हाय हाय, ऐसे बकचोदी आप लोग मत करना खुले में जाके फ्री फायर करने का, सॉरी मारने का। ये कुछ प्रो लोग होते हैं तभी करते हैं, लेकिन आप मत करना, बेस्ट सजेशन फॉर यू। ठीक है, तो इसी ने मारा या फिर किसी ने मारा आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है इसी ने मारा होगा। तो बंदे की लोकेशन पता करने के लिए ये सब किया होगा जहां तक मुझे लगता है। अब वो डॉल जाएगा सीधा बंदे के पास, वो तो वहीं पर मार रहा है। देखो वाह वाह वाह, नाइस ट्रिक टिलिक। ये जो गांड दिखाने वाला है ना ये बहुत फनी लगता है मुझे। और बंदे ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया देख सकते हो, क्योंकि बंदे के पास कोई भी गन नहीं है। ठीक है, तो वो डॉल तो भाई मार ही देगा वो इसे भी, है कि नहीं। अगर वो डॉल मार दिया तो ये ऑटोमेटिक चिकन डिनर कर लेगा भाई। लेकिन वो डॉल इसके पास क्यों नहीं आया। ओहो हो, सब्सक्राइब प्लीज तो कर देना भाई साहब, मेरी तरफ से भी आपको यही कहना है, सब्सक्राइब कर देना। और देख सकते हो गोल्डन फैरो विथ रेवन इमोट आई थिंक। लेकिन ये गोल्डन फैरो की ड्रेस में ये रेवन का वो कहाँ से आया, सॉरी वो इमोट अलग से होगा, क्योंकि एक बार भी आउटफिट आया था ऐसे ही रेड कलर का है ना, तो उसमें हो सकता है। और ये बंदा क्या कर रहा है, वो मेडिकेट चाहिए बंदे को। विक्टर अब देगा, अरे मुझे लगा था भाई 50-20 तो दे ही देगा, क्योंकि विक्टर के पास इतना ज़्यादा मेडिकेट होता है ना किसी ने सोची ना होगी। ओ ये तो विक्टर भाई 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 ये क्या था, रुको। ओ भाई 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 नंबर वन उसके पीछे था। ठीक, वाह 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 वाह, नहीं सही सही भाई, काफी सही। उई उई जब देखा तेरी माँ का भरोसा तेरी माँ का भरोसा डेंटिस्ट का सुझाया नंबर वन ब्रांड। ये भी आना था आई थिंक, नहीं आया। देखो ये भी हैकर है क्या, हैक। खत्म हो जाए कुछ नहीं कहना है करके बारे में, कुछ नहीं बड़वे होते ये मैंने पहले ही कह दिया। और लगा था जैसे ही वो उड़ा ना मुझे लगा था ये मारेगा। मैं होता तो यहाँ पर पीक बिल्कुल भी नहीं देता, सीधा सीधा आगे जाके भाई खड़े रह के मारता उसको और मैं मर जाता। ठीक है, मारना था वैसे नाइस। देखो इसका नाम टिकटॉक ही है आई थिंक, नहीं वो आगे वाला था भाई, काफी सही ना। और कल की वीडियो में हमने देखा था कि कितना मुश्किल होता है ऐसे मारना, जिसके आपने कल देखा होगा तो आपको पता होगा, गलती से लग जाता है तो लग जाता है, नहीं तो भाई ये देखो परफेक्ट भाई साहब। मुश्किल तो होता है ना भाई, हम सीधा खड़े हुए बंदे को नहीं मार सकते, ये भाई उड़ उड़ के मारते, तो भाई समझ सकते हो कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। और ये जो देखा था मैंने कल, तो भाई एक बार तो यकीन भी नहीं हुआ था कि इसने
सही में मार दिया, क्योंकि स्मोक के अंदर ऐसे कैसे मार सकते हैं कोई। सही है, बंदा काफी प्रो है। और होते हैं लोग, मैं ही नहीं हूं तो छोड़ो, कोई ना एक दिन हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो भाई प्लीज कर देना अपने फ्रेंड को शेयर और सब्सक्राइब भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे आप सभी से, बाय।